आइए दर्शकों, इस अतिरिक्त भ्रमण के कथांश में हम चलें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कतार एयरलाइंस में सवार होकर दोहा की ओर। हाँ दोस्तों, दोहा अरब देशों में से एक फारस खाड़ी में स्थित प्रायद्वीपी देश कतार की राजधानी है। दिल्ली से 2560 किलोमीटर की दूरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के ऊपर से होते हुए 3.5 घंटे की उड़ान भरकर हम पहुंचे दोहा। दोहा के अहमद नामक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अराइवल टर्मिनल के क्षेत्रफल में वीजा ऑन अराइवल की औपचारिकता पूर्ण कर इमिग्रेशन काउंटर से होते हुए हम एयरपोर्ट से टैक्सी में सवार होकर चल दिए अपने होटल की ओर। गौरतलब है, आज ये छोटा सा प्रायद्वीप देश एक तेल संपन्न राष्ट्र के रूप में दुनिया का दूसरा जीडीपी प्रति व्यक्ति समृद्ध देश है। हाँ दोस्तों, दोहा शहर कतर की राजधानी होने के साथ साथ सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर भी है और यहाँ और इसके उपनगरीय इलाके में कतर देश की लगभग आधी आबादी रहती है। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं कि दोहा शहर अपने खूबसूरत परिदृश्यों और अत्यधिक आकर्षक होने के कारण यहाँ आने वाले लोगों को लुभाने लगता है। अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 45 मिनट की टैक्सी के ड्राइव के बाद हम पहुँचे सोहेम बिन हमद स्ट्रीट अलसाद पर स्थित हमारे ऑनलाइन बुक किए गए होटल मिलेनियम प्लाजा। ये है हमारे होटल के कमरे से लिया गया दोहा के अलसाद डिस्ट्रिक्ट का खूबसूरत परिदृश्य। होटल मिलेनियम प्लाजा में चेक इन करने के पश्चात आइए हम चलें होटल के नजदीक में स्थित अलसाद नामक मेट्रो स्टेशन की ओर। अलसाद मेट्रो स्टेशन पहुंचकर हम चल दिए मेट्रो स्टेशन के अभियंतर। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए दोहा के मेट्रो स्टेशनों का डिजाइन अक्टूबर 2013 में कतर के अमीर द्वारा चुना गया था और इसकी बनावट जो आप देख सकते हैं ऐतिहासिक इस्लामी वास्तुकला से प्रेरित है जो आधुनिक तरीके से पुराने इस्लामी वास्तुशिल्प तत्वों को दर्शाती है। यहाँ हमने 10 कतारी दिनार जिसका मूल्य 230 भारतीय रुपया है का पास लिया और चल पड़े जापानी कंपनी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और किंकी शारियो द्वारा आपूर्ति की गई चालक रहित मेट्रो ट्रेन में सवार होकर अलसाद मेट्रो स्टेशन से सुग वाकिफ मेट्रो स्टेशन की ओर। दर्शकों, हम हैं सुग वाकिफ नामक दोहा के प्रमुख पर्यटन स्थल के प्रांगण में। गौरतलब है, अरबी भाषा में सुख का मतलब होता है स्थाई और वाकिफ का मतलब बाजार, यानी एक ऐतिहासिक यहाँ की परंपरा को दर्शाता कतार का स्थाई बाजार। यहाँ आकर आप कतर की अतीत में कम तनावपूर्ण वातावरण की सुगंध को अवशोषित कर सकते हैं। सुख वाकिफ का दृश्य आपको कतार के पारंपरिक बाजारों का बखूबी स्वाद प्रदान करता है। हाँ दोस्तों, ये स्थायी बाजार एक दोहा के प्राचीन व्यापार केंद्र की साइट पर निर्मित है। आनंदपूर्ण बेफिक्री से घूमते फिरते आप यहाँ लुत्फ उठा सकते हैं कतार के स्थानीय स्ट्रीट फूड के स्वादिष्ट व्यंजनों का। यहाँ पर स्टॉलों पर जैसा कि आप देख सकते हैं विभिन्न पारंपरिक वस्तुओं का व्यापार होता है।
जहां दुकानदार अपनी सामग्री को खूबसूरती से प्रदर्शित कर ग्राहकों को बेचते दिखाई देते हैं। दर्शकों, दोहा में हमने अपना प्रथम दिन का भ्रमण संपन्न किया और दूसरे दिन 19 दिसंबर 2023 अलसाद मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन की गोल्डन लाइन पकड़कर चल दिए मशराब मेट्रो स्टेशन की ओर। मशराब मेट्रो स्टेशन में हमने मेट्रो ट्रेन की रेड लाइन में अपनी यात्रा तब्दील कर हम पहुंचे कटारा नामक मेट्रो स्टेशन। दोस्तों, कटारा मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर हम हैं आज के पर्यटन स्थल कटारा कल्चरल विलेज के प्रांगण में। गौरतलब है, कटारा कल्चरल विलेज जिसे कटारा के नाम से भी जाना जाता है, कतर की राजधानी दोहा में एक मनोरम सांस्कृतिक और वाणिज्यिक परिसर है। यह कतर के पूर्वी तट पर प्रमुख स्थान पर स्थित है। ये है कल्चरल विलेज के अंदर कदम रखते ही 21 हाई स्ट्रीट नामक गलियारा, जो एक विशाल उपहार बक्से की तरह चिन्हित है। यहाँ पर लगे हुए हैं आउटडोर कूलिंग सिस्टम, जो साल भर आपको सुनिश्चित करते हैं ठंडे ठंडे कूल कूल माहौल में आराम से घूमने का। इस स्ट्रीट पर आप अल्फ्रेस्को यानी बाहर खुले में बैठकर भोजन का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर अद्वितीय हाई एंड ब्यूटिक्स और कैफे हाउस भी हैं। कटारा कल्चरल विलेज कतर का एक सबसे बड़ा और सबसे विविध सांस्कृतिक प्रयास है, जो मानव के विकास में डाइवर्सिटी के मूल पर जोर देने वाली बढ़ती वैश्विक संस्कृति के साथ तालमेल रखता है। आप बोल सकते हैं ये एक सभा स्थल है जहां दुनिया भर से लोग अन्य संस्कृतियों के बारे में जानने का अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, कतरी पारंपरिक वास्तुकला से प्रेरित यहां मौजूद इन गलियारों में घूमते फिरते कतर के अतीत में बने शहरों के वातावरण में हमने यहाँ की प्राचीन सभ्यता की संस्कृति, कला और इतिहास को बखूबी समझा और उसमें गहराई से समाहित होकर हम पहुँचे कतर के पूर्वी तट के प्रांगण में। शांत समुद्र के बीच आपके सामने है दोहा के बेस्ट बे में शानदार बहुमंजिला वित्त जिले यानी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की इमारतें। कल्चर विलेज में दोहा के पूर्वी तट के क्षेत्रफल में थोड़ा सा विश्राम और यहां का अदृक भ्रमण कर इस कबूतरों के लिए बने टावर से होते हुए हम पहुंचे यहां मौजूद खूबसूरत कतारा मस्जिद के इलाके में। गौरतलब है, इस मस्जिद का ढांचा तुर्की के फेमस वास्तुकार ज़ैनब फेडिलोग्रू द्वारा डिजाइन किया गया है। मस्जिद के निचले और ऊपरी भागों में हम नीले और सोने के रंगों में उत्तम फारसी और तुर्की टाइलों का काम देख सकते हैं। मित्रों, इस मस्जिद की मीनार, गुंबद और प्रार्थना का आला मुस्लिम दुनिया की प्रसिद्ध मस्जिदों से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। मस्जिद के सामने सड़क के उस पार है दोहा का साउथ हिल नामक पार्क। दर्शकों, ये हरा भरा उत्कृष्ट साउथ हिल उद्यान यहाँ कतर की रेगिस्तानी बंजर भूमि में आज उपजाऊ मिट्टी दूसरे मुल्कों से निर्यात कर दोहा के निवासियों के लिए ड्रिप इरिगेशन द्वारा मेंटेन किया जाता है। कल्चरल विलेज, कतारा मस्जिद और इस खूबसूरत हरे भरे उद्यान का संपूर्ण दौरा कर हम मेट्रो ट्रेन में सवार होकर दोहा के रेगिस्तानी प्राकृतिक दृश्य को देखते हुए चल दिए कटारा मेट्रो स्टेशन से लेक्टाफिया मेट्रो स्टेशन की ओर। लेक्टाफिया मेट्रो स्टेशन से हम टैक्सी में बैठकर पहुंचे पर्ल कतार। गौरतलब है, पर्ल कतार दोहा में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला एक मानव निर्मित द्वीप है।
यहाँ की ये सड़कें और चौराहे आपको किसी खाड़ी देश की बजाय भूमध्य सागर वाले यूरोपीय देश की लगेगी। नहरों के साथ यहाँ की ये बिल्डिंग आपको वेनिस में होने का एहसास दिलाती है। बल्कि अगर देखा जाए तो पल कतार का खाका यानी लेआउट बिल्कुल वेनिस जैसा है। बस सिर्फ फर्क है यहाँ छोटी नाव नहीं है जो आपको वेनिस में तैरती दिखती हैं। हाँ दोस्तों, पल कतार में प्रवासी समुदाय के लोग यहाँ बने लग्जरी विला या अपार्टमेंट ब्लॉक में रहते हैं। इनमें से कई एक लोग पश्चिमी देशों के हैं जो कतर में मिल रही सुविधाओं की वजह से यहाँ आए हैं। पल कतार में है शीर्ष ब्रांड के बुटीक और शोरूम और है हर प्रकार के व्यंजन परोसने वाले कैफे और रेस्टोरेंट। यहाँ से आप दोहा की लुसेल सिटी में स्थित लुसेल टावर या मून टावर या क्रिसेंट टावर, जो दुनिया के सबसे बड़े टावरों में से एक है और जिसे 2022 में यहाँ हुए विश्व कप के दौरान बनाया गया था, को साफ साफ देख सकते हैं। मित्रों, अंतः पल कतार के बारे में ये बोलना गलत नहीं होगा कि अगर कतार एक बुलबुला है तो पल कतार बुलबुले के अंदर का बुलबुला। पल कतार का संक्षिप्त दौरा कर हम लेक्टाफिया मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रेन में बैठकर चल दिए कार्निश मेट्रो स्टेशन की ओर। दोस्तों, कार्निश मेट्रो स्टेशन से हम पैदल ही चल दिए कार्निश पार्क से होते हुए कार्निश वाटर फ्रंट की ओर। ये है खूबसूरत कार्निश पार्क। लगभग कार्निश मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर चलने के पश्चात हम पहुंचे दोहा के अति लोकप्रिय आकर्षित पर्यटन स्थल कार्निश वाटर फ्रंट के प्रांगण में। गौरतलब है 7 किलोमीटर का मनभावन अर्धचंद्र की आकार का ये वाटर फ्रंट पश्चिमी दोहा की खाड़ी पर अपशिष्ट भरण यानी लैंडफिल करके बनाया गया है। हाँ मित्रों, यहाँ आयोजित होते हैं कतर का राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस जैसे कार्यक्रम। दर्शकों, हम अति भाग्यशाली हैं जो आज यहाँ पर कतर का राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, कार्निश वॉकवे फ्रंट अतीत में एक खाली खंड हुआ करता था। लेकिन 21वीं सदी में कार्निश के उत्तर की ओर जो आप देख सकते हैं, दर्जनों आधुनिक डिजाइनदार गगनचुंबी इमारतों के निर्माण के साथ यहां विकास में अद्भुत वृद्धि हुई है। हाँ, आज ये क्षेत्र कतर के आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास का हिस्सा है, जिसे 2006 के एशियाई खेलों के दौरान सुगम बनाया गया था। आइए दर्शकों, कार्निश वॉकवे फ्रंट में आज यहाँ कतर के राष्ट्रीय दिवस के दौरान मनाए जा रहे कार्यक्रम दोहा लाइट्स के म्यूजिकल फाउंटेन में आप सभी का स्वागत है। इसी के साथ दोस्तों, हम संपन्न करते हैं इस शॉर्ट ट्रिप टू दोहा में प्रथम भाग का ये कथांश और वादा करते हैं जल्द मिलेंगे इस शॉर्ट ट्रिप टू दोहा के द्वितीय और अंतिम भाग में।